दिनांक 12/1/2024 को आदिवासी विकास सेवा संस्थान सिद्धार्थनगर गौड़ धुरिया जनजाति समाज के नेतृत्व में सिद्धार्थनगर अपराध का अंत कार्यालय पर स्वागत समारोह कार्यक्रम मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित प्रेस क्लब श्री नरेंद्र रावत जी, भूमि संरक्षण अधिकारी सिद्धार्थनगर रविशंकर पांडे, पत्रकार संघ प्रदेश अध्यक्ष अविनाश शुक्ला आजाद व आर के विश्वकर्मा का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के साथ ही आदिवासी विकास सेवा संस्थान को नौगढ़ तहसील से संवाददाता इंडियन वन टीवी न्यूज में नियुक्ति पत्र आई कार्ड देकर प्रेमचंद गौड़ जी को तहसील शोहरतगढ़ से नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही आदिवासी विकास सेवा संस्थान सिद्धार्थनगर के पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत सम्मान किया। मुरलीधर धुरिया, गणेश गौड़, एडवोकेट कमलकांत गौड़, जयराम धुरिया, राहुल धुरिया, राजकुमार धुरिया, डॉक्टर सुरेंद्र धुरिया, राम सुभग धुरिया, गुलाब धुरिया, साधु धुरिया, सतीश कुमार गौड़, उमेश कुमार धुरिया आदि सैकड़ों धुरिया जनजाति समाज के लोग उपस्थित रहे। आर के विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सर इधर देखिए, अब माला से पहले बनवा के साथ अब जो भी हमें और सबको हमारे पत्रकार संघ प्रदेश अध्यक्ष कलाकार आजाद जी को एक छोटा सा जो है ये भेंट हमारा संतोष का हमारा थोड़ा सा दोस्त ले दी देखिए संचित हुआ बढ़िया बोलने का मतलब ये कि हर के दुनिया में कोई आदमी ऐसा नियुक्ति पत्र दिया इस पे क्या कहना है? देखिए हमारा नाम आर के विश्वकर्मा है और जो जिस विश्वास और जिस जिम्मेदारी के साथ संतोष गौड़ जी को नवगढ़ तहसील से रिपोर्टर नियुक्त किया है वो अपने कार्यभार का निर्वहन करें और जो है हर चीज़ की जो कानून संविधान में नोल है उसको ध्यान में रख करके कोई ऐसा चीज़ ना करें और अपनी मीडिया की जो हैसियत है मीडिया समूह की हैसियत है उसी हिसाब से अपना कार्य निर्वहन करें। पत्रकार बंधुओं को इस अवसर पर क्या संदेश? पत्रकार बंधुओं को हमारे तरफ से कोट कोट धन्यवाद और बधाई है कि सब लोग एक तरह एकत्रित होकर के सब लोग अगर ऐसी कहीं कोई घटना घटती है कि अवैध तरीके से किसी पत्रकार के ऊपर कोई प्रशासनिक या राजनीतिक द्वारा अगर दबाव दे करके मुकदमा लिखाया जा रहा है फर्जी उत्पीड़न कर रहा है हम लोग एकत्रित होकर के उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे उसके खिलाफ जो है संघर्ष करके जो है उसको न्याय दिलाएंगे। नाम क्या है? आज जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको दायित्व दिया गया तो कैसे निभाएंगे आप? मेरा नाम संतोष कुमार गौड़ है और मैं आदिवासी विकास सेवा संस्थान का जिला अध्यक्ष हूँ। आज मुझे अपने जिले के समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज मुझे पत्रकारिता जगत में आप सभी पत्रकार बंधुओं का एक आशीर्वाद मिला हुआ है और मैं इसको हर स्तर से सामाजिक स्तर से जितने भी जो है लड़ाइयाँ हैं वो सब मैं शासन प्रशासन के खिलाफ महाजीवन शासन प्रशासन के सामने मैं रखता हूँ। ये बताइए आप तमाम जो पत्रकार बंधु और सम्मानित लोग आए उनको क्या संदेश देंगे? उनको संदेश हम उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों का आशीर्वाद सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद पड़ा हुआ है और मैं इसको बेहतर से बेहतर मैं इसको करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। पत्रकार पद के लिए आप ही के द्वारा नियुक्ति हुई है इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और मैं चाहूँगा कि अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। देखिए हमारा नाम आर के विश्वकर्मा है, मैं काफ़ी वर्षों से सभी लोगों के साथ एकत्रित सब लोगों के साथ रहना और सभी परिवारों को एक साथ और एकजुट मिलाने का काम किया है और जो भी हमारे
संस्था के जो भी पत्रकार हैं बंधु, मैं उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये है पत्रकार जो ये समूह है, ये बैठक है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी स्वाभाविक चीज़ है कि ऐसे हम लोगों की बैठक और एकत्रित सब लोग की समूह चलता रहे, और इसी में हम लोगों की जब संगठन जब मजबूत होगी तो हम लोग भी मजबूत होंगे, संगठन नहीं मजबूत होगी तो हम लोग भी नहीं मजबूत होंगे। क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के लिए? सबसे पहले आदिवासी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार मैं बधाई देता हूँ। मेरा नाम अविनाश कुमार राजा शुक्ला, और आज जो संतोष जी को न्यूज वन इंडिया के संवाददाता बनाया गया, सबसे पहले पत्रकार क्षेत्र में उतरने पर उन्हें हम बस क्लब की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, जनपद के जो भी पत्रकार साथी हैं उनकी तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही कहना चाहूँगा कि आदिवासी विकास सेवा संस्थान की तरफ से इसके जो जन्मदाता थे उमाशंकर जी, उमाशंकर जो हमारे बीच काफ़ी उनका अपने समाज के प्रति समर्पित समय उन्होंने दिया, और जो हर पाए में वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और आज का जो कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम के संचालक रहे पूर्णिमा साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही बताना चाहूँगा कि मीडिया एक ऐसा पहलू है जो अनसुलझी पहेली को सुलझाने में लगी रखती है, और अनसुलझी पहेली का मेन मतलब यह है कि देखिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, चौथे में मीडिया को एक स्थान मिला है, लेकिन न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका के बीच में थर्ड आई के रूप में मीडिया को देखा जाता है, कि जो कहीं शासन प्रशासन के लोग अगर कहीं भटक रहे हैं, लोकतंत्र में कहीं भी ऐसी कोई गड़बड़ी होती है तो उसको सही मार्गदर्शन देना मीडिया का काम होता है। और हम यही चाहेंगे कि संतोष जी मीडिया के क्षेत्र में उतरे हैं तो वो जो है काफ़ी अच्छे से पत्रकारिता करें और पत्रकार समाज में और अपने समाज का भी नाम ऊंचा करें।